मॉउ hey so आज मैं आपके साथ मेरा रूम टूर शेयर करने वाली हूँ काफी दिनों से आप वेट कर रहे थे इसका फाइनली मैंने सोच लिया कि आज मैं आपके साथ रूम टूर शेयर करती हूँ इतने दिनों से आपका जो वेट है आज पूरा होने वाला है आपको आज रूम टूर देखने के लिए मिलने वाला है जो मेरा बेडरूम है नीचे वाला वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें क्या क्या सजाया है उसमें मैंने कहां पे कौन सी चीज रखी है सब कुछ आपको आज देखने के लिए मिलेगा इतने दिनों से जो सस्पेंस था वो आज आपके सामने ओपन होने वाला है तो चलिए गाइज ज्यादा देर ना करते हुए पहले रूम टूर देख लेते हैं उसके बाद में आपसे बात करती हूँ तो गाइज यहाँ से हम लोग हमारे बेडरूम में एंटर करते हैं तो एंटर करते ही हमें सामने दिखता है हमारा बेड और बेड कुछ इस तरह से है और उसके बाद आप पूरा रूम यहाँ से देख लीजिए मतलब पूरा रूम तो नहीं दिखेगा बट इतना जितना आपको दिख रहा है वो यहाँ से देख लीजिए फिर आता है यहाँ पर हमारा इस वॉल पे टी वी यूनिट टी वी यूनिट बहुत ही सिंपल सा रखा है हमने थ्री ड्रॉर्स रखे है और ड्रॉर्स के जस्ट ऊपर हम लोगों ने वॉल पे टी वी हैंग किया है और उसके ऊपर हम लोगों को एक बुलेट रखा है जो फिश पॉट है मतलब ओरिजिनल नहीं है ऐसे ही एक आर्टिफिशियल वाला फिश पॉट है और उसके साइड में सैनिटाइजर रखा है जो हमेशा काम आता है हमारे बेडरूम में एंटर करते ही और उसके बाद ये जो वॉल आपको दिख रही है ये वो टेक्स्चर वॉल है जिसपे ग्रीन एंड गोल्डन कलर में टेक्चर किया हुआ है ब्रिक टेक्स्चर और गाइज ये नॉर्मल टेक्सचर नहीं है सिंपल वाला टेक्सचर नहीं है ये पुट्टी वाला टेक्सचर है आप पास से देखते हो तो ये थोड़ा सा उभरता हुआ दिखता है जैसे थ्री लुक आता है इसका और इसके ऊपर मैलमाइन लगाया हुआ है तो इसकी वजह से ये शाइन भी बहुत ज़्यादा करता है और उसके ऊपर हम लोगों ने वॉच भी लगाई है जो आपने देख ही ली है उसके साइड से हम लोग निकलते हैं तो यहाँ पर है हमारा बाथरूम जो अटैच लेटरिन बाथरूम है और ये डोर है अटैच लैटरिन बाथरूम का नीचे एक फूटमेट रखा है जो ग्रीन एंड गोल्डन कलर में ही है और उसके ऊपर जस्ट ये जो वॉल है इसके ऊपर हम लोगों ने ये रखा है वॉल पीस मेटल वॉल पीस और ये बहुत ही क्यूट सा मेटल वॉल पीस है मुझे ये बहुत पसंद आया था तो मैंने ये परचेस कर लिया था और उसके जस्ट नीचे देखते हैं तो एक टेबल रखा है और उस टेबल पे बैठने के लिए जगह है और पीछे मैंने ये कुशंस रखे हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल से रेनबो कुशंस है और बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे ये और आप लोग देख रहे हो इतने कलर से ही कितना कलरफुल लग रहा है बेडरूम इस टेबल के ऊपर मैंने एक रनर बिछाया है गोल्डन कलर का और ये जो डोर दिख रहा है आपको उसमें मैं रखती हूँ डेली उसके कपड़े और यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर ऊपर एक विंडो है और उसमें इस तरह के कर्टन्स लगाए हैं और उसके बाद यहाँ पर वाईफाई रखा है उसके बाद ये है हमारा ड्रेसिंग टेबल जो बहुत ही बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल है जिसमें मिरर भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है और जो पीछे वाला हिस्सा है वो भी बड़ा है और नीचे काफ़ी सारे ड्रॉज भी दिए हैं बहुत ही अच्छा सा ये एक ड्रेसिंग टेबल है हमारा मुझे बहुत पसंद है ये एक कस्टमाइज ड्रेसिंग टेबल है और कभी आपको टूर दे दूंगी इस ड्रेसिंग टेबल का मैं अभी नहीं दिखाने वाली आपको और इसके ऊपर जस्ट मैंने क्या क्या रखा है वो आपको दिखा देती हूँ बॉडी लोशन है उसके बाद ये ब्रशेस है हेयर ब्रशेस उसके बाद कुछ डेली चीज़ें हैं जैसे कि लिप बाम हो गई लिपस्टिक्स हो गए हैं मस्काराज है आई शेडोज है ऐसे कुछ चीज़ें हैं ब्रशेस वगैरह और यहाँ पर है मेरा मेकअप किट जब भी मुझे कोई स्पेशल वीडियो बनाना होता है तो मैं मेकअप कर लेती हूँ यहाँ पर ही और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ही रखी है तो ये है हमारा प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल उसके जस्ट साइड वाले वॉल पे ये वॉल पीस लगाया है हमने मेटल वॉल पीस और ये बहुत ही सुंदर लगता है गोल्डन मेटल वॉल पीस और इसके जस्ट ऊपर हमारा एसी है और एसी आप लोग पूछ रहे थे कि कौन सी कंपनी का है तो ये ब्लू स्टार का है एसी इस मेटल वॉल पीस के जस्ट नीचे है हमारा बेड गाइस और ये 78 एट बाई का किंग साइज बेड है और ये बहुत ही सुंदर सा बेड है मतलब सिंपल है बट बहुत प्यारा लगता है हमें और बेड का सबसे मेन और कंफर्टेबल हिस्सा होता है मैट्रेस मैट्रेस की वजह से हमें नींद बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और मैट्रेस हम लोगों ने अभी अभी चेंज किया है हमारा मैट्रेस हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइज मतलब बहुत ज़्यादा कुशनिंग अच्छी है उसकी और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है मैट्रेस हमारा और इस मैट्रेस को हमने अभी अभी परचेस किया है कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने इसे परचेस किया है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है एट इंच का मैट्रेस है और ये जो मैट्रेस है ना गाइस वो है फ्लो मैट्रेस आप लोगों को पता होगा कि हमने बच्चों के रूम के लिए भी फ्लो मैट्रेस ही मंगाए थे अब हमारे बेडरूम के मैट्रेस को चेंज करने की बारी थी तो हमने यही मैट्रेस मंगा लिया तो ये है सेवेंटी एट बाय सेवेंटी टू एट साइज़ का मैट्रेस और ये काफी अच्छा बड़ा सा मैट्रेस है तो ये जो हमारा पुराना मैट्रेस है इसे हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं फ्लो मैट्रेस से तो अभी इसे निकाल देंगे और इसकी जगह पे हम लोग फ्लो मैट्रेस बिछा देंगे जब हमने बॉक्स से फ्लो मैट्रेस को निकाला तब हमें ये आई मास्क रिसीव हुआ है इसके साथ और एक कार्ड रिसीव हुआ है मैनुअल रिसीव हुआ है और एक यू लेटर भी है और ये मैट्रेस आपको इतना बड़ा मैट्रेस एयर कॉम्प्रेसिव पैकेजिंग में मिलता है और बहुत ही छोटे से बॉक्स में मिलता है जैसे कि आपने देख ही लिया है और अभी इसका एयर हम लोग निकालेंगे तो आप देखना ये अपने साइज में दोबारा से वापस आ जाएगा और ये फ्लो का अर्गो मैट्रेस है गाइज बहुत ही अच्छी पैकेजिंग दी है इन्होंने मतलब बहुत ही छोटी सी पैकेजिंग होकर ये आया था और जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये अपनी शेप में दोबारा से वापस आ जाएगा बहुत ही छोटी सी पैकेजिंग होके ये आया था और अभी देखो ये इसकी साइज देखो कितनी ज्यादा फूल गई है एट इंच का ये मैट्रेस है गाइस बहुत ही बड़ा और बहुत ही ऊंचा ये मैट्रेस है और ये जो ऊपर का कवर है व्हाइट कलर का ये व्हाइट एंड ब्लू कलर में दिया है आ, कवर ये आप ओपन भी कर सकते हो पूरा इस पर चैन लगी हुई होती है तो इसे आप ओपन करके वॉश भी कर सकते हो इजीली मशीन वॉश कर सकते हो हैंड वॉश कर सकते हो और इस कवर में एलोवेरा होता है तो इससे आपको रैशेस होने के चांसेस भी नहीं है खुजली रैशेस नहीं होगी इससे आपको और कंपनी ने जो दावा किया है नो पार्टनर डिस्टर्बेंस का तो उस पर ये मैट्रेस खरा उतरा है एक्चुअली यहाँ पर अद्विक देखो कितना जोर जोर से कूद रहा है फिर भी ग्लास से पानी नहीं निकल रहा है नहीं गिर रहा है नीचे अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये येलो कलर की फिटेड बेडशीट ये प्लेन फिटेड बेडशीट है और बहुत ही अच्छे से फिट आ गई है इसे एक बार इस बेडशीट को चढ़ा दोगे ना तो बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही प्लेन मैट्रेस दिखेगा आपका बहुत ही अच्छा होटल जैसी फीलिंग आएगी आपको और इस मैट्रेस को गाइज अगर आपको परचेस करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए लिंक पे क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हो बहुत ही कंफर्टेबल मैट्रेस है और इस मैट्रेस पे सोने से आपको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है जो हमारे पुराने मैट्रेस पे सोने से हमें होते थे इससे कोई भी आपको बैक पेन का प्रॉब्लम नहीं होगा ये बहुत ही शाही लुक देने वाला मैट्रेस है गाइस इसे आप अपने बेड के साइज के अकॉर्डिंग मंगा सकते हो और यहाँ पर कुछ इस तरह से ये हमारा बेड रेडी है गाइज और इस कुशन के बदले मैंने ये जो गोल्डन कुशन है वो रख दिए हैं थोड़ा सा और भी ज़्यादा अच्छा लुक आने के लिए इस कुशन पे आप ऐसे अपने हिसाब से डिजाइन भी बना सकते हो मतलब ये जो सीक्वेंस का कुशन है ना थोड़े से आप ऐसे घुमा के हाथ फैला के इस पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये वाले कुशन तो ये कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर कुशन रखे हैं दो और ये येलो कलर का एक कम्फर्टर भी रखा है बेड के ऊपर बेड के जस्ट साइड में है थ्री ड्रॉर्स वाला साइड टेबल और उसके ऊपर ये मेटल का पॉट रखा है मैंने और इसके अंदर रियल प्लांट लगाया है तो ये बहुत ही सुंदर लगता है साइड टेबल के ऊपर रियल प्लांट और उसके ऊपर जस्ट एक विंडो है और विंडो पे ये गोल्डन और ग्रीन कलर के कर्टन्स हैं तो इस तरह से यहाँ का लुक है और उसके जस्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर है हमारा वार्ड्रोब लेफ़्ट साइड वाला वाड्रोब इनका है और राइट right साइड वाला वाड्रोब मेरा है तो ये हमारा वाड्रोब है गाइज़ ऊपर हम लोगों ने ऐसे स्टोरेज बनवाया है और नीचे हमने हमारा वाड्रोब बनवाया है और उसके जस्ट साइड में है डोर जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी इसके ऊपर हम लोगों ने ये राधा कृष्ण की फ्रेम लगवाई है जो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है बेडरूम में रखना तो इसी वजह से हम लोगों ने ये फ्रेम रखी है तो गाइज़ यहाँ पर होता है हमारा बेडरूम फिनिश रुको रुको आपको मैं अपने बेडरूम की पीओपी दिखाना तो भूल ही गई थी यहाँ पर इस तरह से है हमारे बेडरूम की रेक्टेंगल शेप में पीओपी सिंपल सी है गाइज बट हमें ये पीओपी बहुत ही ज्यादा पसंद है आई होप गाइज आपको ये मेरा बेडरूम टूर पसंद आया होगा और आपके लिए थोड़ी सी हेल्प भी हो गई होगी मतलब कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है या कैसे कैसे क्या, क्या क्या करना है वो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिल गई हो ना इस वीडियो से तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सके दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना तो चलिए फिर मिलती हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल बाय ध्यान रखना अपना